सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, टेक्निकल ज्ञान चैनल में मैं विपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में। ये सर्किट ब्रेकर है जो भी हमने आज तक बात की सर्किट ब्रेकर, उससे थोड़ा अलग और बहुत ही ज्यादा यूज होता है। बहुत ही ज्यादा क्यों यूज होता है मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में। SF6 मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये नाम है गैस का। तो ये जो सर्किट ब्रेकर है उसमें ये सल्फर वाला गैस यूज होता है। अब गैस की क्या जरूरत पड़ गई आप पूछेंगे सर्किट ब्रेकर में। तो ये जो सर्किट ब्रेकर है बहुत ही हैवी करंट पे यूज होता है। बहुत ही हेवी करंट मतलब 33 किलोवाट, 33 किलोवाट, 64 किलोवाट, 64 किलोवाट, ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ से हमें पावर सप्लाई आ रही है। मतलब कभी हम बोलते हैं ना, आज तो बिजली काट दी बिजली वालों ने, तो कैसे काटते हैं, वहाँ पे भी एक सर्किट ब्रेकर चाहिए ना। वहाँ पे कोई बड़ा सा फ्यूज तो नहीं यूज कर सकते वो लोग, तो वो लोग यूज करते हैं ये वाला SF6 सर्किट ब्रेकर। ये हेवी सर्किट ब्रेकर में आता है, 33 किलोवाट, 64 किलोवाट में जो आता है ये वाला सर्किट ब्रेकर यूज होता है उसमें। अब इसके कंडक्शन के बारे में मैं बात करता हूँ, तो कंडक्शन में बहुत सारी चीज आती है इसमें। सबसे पहले तो एक सिलेंडर आता है गैस का, SF6 का, जो सल्फर वाला गैस है, गैस का एक सिलेंडर, गैस का एक बोतल समझ लीजिए, तो वह सिलेंडर आता है। दूसरे नंबर में एक मोटर आता है जो स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग को चार्ज करता है। अब आप बोलेंगे स्प्रिंग को गैस से चार्ज करता है, नहीं, स्प्रिंग को चार्ज होता है एयर से, उसमें से एयर सिलेंडर, जैसे कि मैंने एयर सर्किट ब्रेकर में बताया था कि पूरा काम एयर से होता है, इसमें दोनों चीज से होता है, एयर भी यूज होता है और गैस भी यूज होता है। स्प्रिंग जो है चार्ज होता है एयर से, वो चार्ज कर देगा मोटर एयर से स्प्रिंग को। कई सर्किट ब्रेकर में गैस भी यूज होता है, ऐसा मत समझ लीजिए हर एक सर्किट ब्रेकर में एयर ही यूज करते हैं, ऑयल भी यूज कर सकते हैं, काम तो वही है स्प्रिंग को दबाना। तो मोटर आता है तो स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए बड़ा सा स्प्रिंग आता है, जरूरी नहीं एक ही स्प्रिंग है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, वो जरूरत के हिसाब से कंपनी डालती है। तो कितना बड़ा सर्किट ब्रेकर है, फिर वही गियर आ जाएंगे, शाफ्ट आएगा, मगर इसका जो ऑन ऑफ सिस्टम है वो सर्किट ब्रेकर के जो पैनल बोर्ड है उससे बाहर रहता है, वहां से तो सिर्फ एक शाफ्ट बाहर निकलती है, बाकी का सिस्टम जो है वो ऊपर आगे से होता है। चलिए ये बात तो होगी अंदर के कंपार्टमेंट, बाकी वॉल्व प्रोटेक्शन के लिए अलग से सर्किट आता है, अर्थ फॉल कंडीशन के लिए अलग से सर्किट आता है, ऑन ऑफ के लिए रिले आता है, ट्रिपिंग रिले आता है, बहुत सारी चीज इसमें आती है। वो डिपेंड रहता है कि कौन सी कंपनी का क्या सर्किट ब्रेकर है। कोई सर्किट ब्रेकर में कुछ चीज नहीं आती, कोई सर्किट ब्रेकर में बहुत सारी चीज आती है। और ये कंट्रोल दूर से कर सकते हैं, मतलब सन ट्रिप करवा सकते हैं, रिमोट एक्सेस इसमें से हो सकता है, स्काडा सिस्टम भी इसमें कनेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये तो कुछ बात होगी इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब इसका वर्किंग क्या है, तो वर्किंग ऐसा है कि 33 किलोवाट या फिर 64 किलोवाट, आप सोचिए कि इतना बड़ा करंट को आप क्लोज कर रहे हैं, ट्रिप करवा रहे हैं, तो कितना ज्यादा आर्क, आर्क मतलब स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क कितना ज्यादा जनरेट होगा, तो आपका कोई भी ब्रेकर का कॉन्टेक्टर है वो जला देगा। उसको जलाने से बचाना है तो एयरबैग के बजाय सकते हैं, नहीं एयरबैग से एयरबैग के ये काम नहीं हो सकता, ऑयल से भी पॉसिबल नहीं, तो वहां पे हमें जरूरत रहती है गैसेस की। तो ये जो गैस है, जब भी हम स्विच को डिस्कनेक्ट करेंगे तो जो मूवेबल कॉन्टेक्टर और फिक्स कॉन्टेक्टर है दोनों के बीच में थ्रू होगा। कहाँ से थ्रू होगा, गैस के सिलेंडर में से, क्योंकि वहां पे वैक्यूम होगा, वैक्यूम से जगह होगी, वहां पे गैस आएगा हमारे जो बोतल, मैंने गैस को बोतल आपको समझा है ना, सिलेंडर, वहां से हमारा जैसे ही वैक्यूम होगा वो गैस वहां पे आ जाएगा, हाई प्रेशर गैस आएगा और आर्क को सेकंड में ही खत्म कर देगा। अब दोनों ही कॉन्टेक्टर हमारे सेफ रहे तो वहां पे गैस आ गया। और एक चीज मैं आपको बताना आप भूल गए, गैस के लिए भी इंडिकेशन गेज आता है कि कितना इसमें गैस रखना है। मिनिमम जो मैं जानता हूँ सर्किट ब्रेकर के बारे में 5.8 kg से ऊपर होना चाहिए, 6.5 kg तक, बाकी तो डिपेंड रहता है सर्किट ब्रेकर के ऊपर।
कोई सर्किट ब्रेकर में ज्यादा भी, छोटा सर्किट ब्रेकर है तो कम भी, मगर इतना प्रेशर तो गैस का होना चाहिए ताकि वो जो आर्क है उसको तुरंत खत्म कर सके। इससे डाउन हो जाएगा तो इसमें अलार्म भी आ जाता है, और ज्यादा डाउन हो जाएगा तो ये ट्रिप को क्लोज कर देगा, मतलब स्विच को पूरा लॉक कर देगा, ऑन ऑफ नहीं होने देगा। और एक हैंडल भी आता है स्प्रिंग को चार्ज कर, अगर हमारा मोटर खराब हो गया है स्प्रिंग को चार्ज करने वाला, तो हैंडल घुमा के आप स्प्रिंग को चार्ज कर सकते हैं। और इंडिकेशन भी आपको इलेक्ट्रिक इंडिकेशन भी मिल जाएंगे, मतलब एलईडी बल्ब से आपको इंडिकेशन भी मिल जाएंगे, और मैकेनिकली इंडिकेशन भी इसमें आते हैं ऑन ऑफ के। तो ये तो बात हुई इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन की। जब भी हम ऑन करते हैं तो वो वैक्यूम जो है वो वैक्यूम खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा शाफ्ट के साथ एक बुशिंग लगा हुआ होता है, तो बुशिंग ऑफ होता है तो जो भी गैस आया सिलेंडर में से वो वापस चला जाएगा सिलेंडर में, तो इलेक्ट्रिक का जो आर्क है वो खत्म हो जाएगा और गैस वापस रिटर्न चला जाएगा। जब भी हम स्विच ट्रिप होगा या फिर ऑफ होगा तो वही वैक्यूम बनेगा और वैक्यूम से आ जाएगा SF6 गैस। तो इसी तरह काम करता है SF6 सर्किट ब्रेकर, और ज्यादातर जहां से हमें पावर आ रहा है वही पावर स्टेशन पे ये यूज होता है। अगर और भी कोई आपका सवाल है SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं इसकी जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।